एल्विश के दुश्मन बन गए हैं अभिषेक के दोस्त। सोशल मीडिया पर अभिषेक पर बहुत सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में, मैं हूं अदिति शर्मा। तो कल हमने एक वीडियो देखा, ये वीडियो अभिषेक मल्हान का था एंड वहां पर अभिषेक ने बहुत ही क्लियर कट तरीके से कहा कि वो बिग बॉस में वापस जाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि आसिम रियाज जैसे स्ट्रांग प्लेयर्स भी वापस से आए। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा आसिम रियाज जैसे कंटेस्टेंट से कम्पीट करने में। खेलने में मजा तभी आता है जब सामने वाला स्ट्रांग हो, और उन्होंने नाम यहाँ पर हाईलाइट किया बार बार आसिम रियाज का। अब दोस्तों हमने देखा कि एक कॉन्ट्रोवर्सी ऑलरेडी चल रही थी, वो कॉन्ट्रोवर्सी एल्विश और आसिम रियाज के बीच में चल रही थी। अब ऐसे में जहां पर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अभिषेक मल्हान इस पर कोई टिप्पणी करेंगे या वो एल्विश का साथ देंगे या कुछ तो कहेंगे, ऐसे मुद्दे में उल्टा वो चाहते हैं कि भाई वो बिग बॉस के घर में आए लेकिन आसिम रियाज भी वहां पर हो। अगर एंडमॉल देख रहा है तो भाई आसिम रियाज को भी अप्रोच करो अगर मुझे अप्रोच कर रहे हो, तो इस तरीके की चीजें अभिषेक ने बोली। तो ये बड़ी ही उथल पुथल इस वक्त सोशल मीडिया पर है कि जिसकी कॉन्ट्रोवर्सी ऑलरेडी एल्विश के साथ चल रही है, उसके साथ अभिषेक बिग बॉस के घर में जाकर कम्पीट करना चाहते हैं और उसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर का दर्जा दे रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि अभिषेक एल्विश का साथ देने के बजाय भाई एल्विश के दुश्मन से कहीं ना कहीं हाथ मिला रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। और अब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इनकी दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं, अभिषेक और एल्विश की दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि अभिषेक मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं, ना तो वो अपनी हार एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और ना ही वो बिग बॉस से आगे बढ़ पा रहे हैं। वैसे आप सभी की इस मुद्दे में क्या राय है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बड़ी बहस चली है, कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।